नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। ये खबर सुल्तानपुर से है, जहां देर रात अस्पताल में ज्यादा मरीज हो जाने के कारण वहां पर पर्याप्त दवा ऑक्सीजन न होने के कारण डॉक्टर और वहां के स्टाफ रफू चक्कर हो गए। सुल्तानपुर अस्पताल में जब मरीजों की भीड़ इमरजेंसी में ज्यादा होने लगी तो अपने आप को सुरक्षित करने के लिए डॉक्टर अपने बंगले पर पहुंच गए, लेकिन वहां उनके बंगले पर भी मरीज के तीमारदार जा पहुंचे और हंगामा करने लगे। तब सीएमएस एससी कौशल ने भारी पुलिस बल के साथ फिर इमरजेंसी पहुंचे, तब जाकर लोगों का गुस्सा शांत हुआ। साथ ही मरीजों का हाल भी उन्होंने जाना। वही सीएमएस संतुष्ट होते हुए ये भी कह रहे हैं कि किसी तरह इमरजेंसी को किस तरीके से हैंडल करना है ये हम जानते हैं, लेकिन डॉक्टर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। तब जाकर डॉक्टर साहब अपनी कुर्सी पर बैठते हुए नजर आए। मामला काफी गंभीर हो गया था। इस बाबत जब सीएमएस से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम तो जिलाधिकारी साहब के यहाँ गए थे, यहाँ कुछ मारपीट का माहौल बना हुआ था और डॉक्टर स्टाफ वहाँ से हट गया था। जब मैंने यहाँ कर देखा तो बहुत भीड़ थी और ऑक्सीजन ना होने के कारण मरीज तड़प रहे थे। जब उसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गाड़ियाँ ऑक्सीजन लेने गई हैं और बिना ऑक्सीजन के मरीज कैसे ठीक हो पाएंगे, तो असहज नजर आ रहे हैं। मैं क्या करूँ, शासन प्रशासन का काम है, वो सब जान रहे हैं। तो जिस तरह से सुल्तानपुर अस्पताल की तस्वीरें सामने आई हैं, इससे वाकई ये कहना मुश्किल है कि मरीजों के लिए जो डॉक्टर्स अस्पताल में तैनात हैं वो कहीं ना कहीं घबराए हुए नजर आ रहे हैं। एक पेशेंट को हम लेके आए हैं, एक्सीडेंटल केस था, 8 बजे हम यहाँ लेके आए, मगर कोई वहाँ पे मतलब कुछ ट्रीटमेंट हुआ ही नहीं, न पट्टी हुई, न मलहम, कुछ नहीं, न कोई ट्रीटमेंट, कुछ भी नहीं। डॉक्टर अपने कुर्सी पे मिले कि नहीं मिले, क्या कोई कुछ नहीं था, कोई नहीं था, एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। हाँ, आधे घंटे तक, अब एक घंटे तक टहले, कोई कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई यहाँ पे। अब क्या पोजीशन है, अब क्या हुआ, मरीज को देखा गया कि नहीं? अभी भी कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा हॉस्पिटल से। क्या क्या कारण है डॉक्टर साहब, आपको छोड़कर यहाँ क्लिनिक, मतलब इमरजेंसी छोड़कर आपके पास, आपके कमरे पे चले? नहीं, मैं तो डीएम साहब के यहाँ था, मुझे अभी पता चला कि यहाँ पे भीड़ भाड़ है। यहाँ पे पता चला उनके साथ साथ मारपिटाई की कोशिश की है, तो डर के मारे हो सकता है चले गए हों। डॉक्टर साहब, ऑक्सीजन की भी कमी है इमरजेंसी में, क्या कब तक व्यवस्था हो पाएगी? और गाड़ियाँ गई हुई हैं, जब आ जाएंगी तब व्यवस्था हो पाएगी। तब तक ये मरीज तड़पते रहे, अब मैं ये वो प्रशासन अपने स्तर पर देख रहा है कि कैसे व्यवस्था हो रही है। बदायूं में कोरोना से हालात बिगड़ गए हैं। पिछले 24 घंटे में 13 लोगों की जान चली गई है। एलजू कोविड राजकीय मेडिकल कॉलेज में 13 मौतें हुई हैं। जिले भर में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की नाकामी सामने आई है। राजकीय मेडिकल कॉलेज में मरीजों को समय पर भोजन, दोपहर का भोजन या शाम का भोजन नहीं मिल रहा है और मरीज के वीडियो भी लगातार सामने आ रहे हैं। अब खबर गाजीपुर से है, जहां कोरोना महामारी के दौरान गाजीपुर के हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। अब हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि मरीज ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में तैनात डॉक्टर बिराए का कहना है कि मरीज हमारी आंखों के सामने ऑक्सीजन के अभाव में मर रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे। अब खबर गाजीपुर से है, जहां कोरोना महामारी के दौरान गाजीपुर के हालात बद से बदतर होते हुए जा रहे हैं और अब हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि मरीज ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं और हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे। जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में तैनात डॉक्टर बिराए का कहना है कि मरीज हमारी आंखों के सामने ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ रहे हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे। उनका कहना है कि आज 3 में से 2 ऑक्सीजन सिलेंडर खाली हैं और 1 ऑक्सीजन सिलेंडर से हम कितने मरीजों का इलाज करें। ऐसे हालात में जो मरीज मेरे सामने मर रहे हैं, मैं तो नौकरी छोड़ना बेहतर समझता हूं। बता दें कि कल ही जिला अस्पताल में मरीजों के तीमारदारों का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें तीमारदार ऑक्सीजन सिलेंडर की छीना छपटी करते हुए नजर आ रहे थे। इस मामले पर डीएम एमपी सिंह ने खुद वीडियो जारी कर अपनी सफाई दी थी और कहा था कि जनपद में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, पर उनके दावों की आज एक बार फिर से पोल खुलती हुई नजर आ रही है। हमारे यहाँ इमरजेंसी में इस समय 90% होता है ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट के लिए आ रहे हैं, ठीक है, और हमारे पास जो सिलेंडर अवेलेबल होता है, अभी 2 सिलेंडर हमारा खाली हो गया, बस 1 सिलेंडर भरा पड़ा है हमारे पास, भरा हुआ है बस, तो सिर्फ इस समय तत्काल में हमारे पास 1 सिलेंडर भरा हुआ है अवेलेबल, उसी में हम 10-10 मिनट मरीजों को चेंज करता रहा हूँ, जो ज़्यादा सीरियस होता है उसको पहले लगा रहा हूँ, बाद में किसी और को लगा रहा हूँ। तो हमारे पास सबसे बड़ी समस्या आती है कि हमारे सामने मरीज एक्सपायर कर रहा है और मैं तमाशा देख रहा हूँ बैठ के यहाँ पे, तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा ऊपर से, ताकि हमारे इमरजेंसी में ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर मिले, कम से कम 8 या 10 ऑक्सीजन सिलेंडर है, ताकि मरीज को मैं जो नीड है वो तो मैं दे सकूँ।
जिला अस्पताल में अब ऑक्सीजन तो एक आध दिन थोड़ा सा दिक्कत थी, लेकिन एकदम खत्म नहीं था। लेकिन कल से तो पर्याप्त ऑक्सीजन आना शुरू हो गई है और ऑक्सीजन की वर्तमान समय में कोई कमी नहीं है। देखा जा रहा है कि सर अभी कुछ देर पहले अगर हम ऑक्सीजन की बात करें सर, तो हमारे जिला अस्पताल में किस तरह के अवेलेबल हैं, उसकी उपलब्धता कितनी है, क्या ऑक्सीजन जिला अस्पताल में जो छोटे सिलेंडर हैं वो 54 हैं, बड़े वाले 27 हैं। और अभी दो दिन पहले सीएमओ साहब ने 10 बड़े दिया था, इसी वजह से कल जो है मेरे कल हम लोग के पास टोटल जो है 31 बड़े वाले जो है हम लोगों को हो गए थे। इसके अलावा एक छोटी मशीन भी ऑक्सीजन की देखी जा रही है, वो किस तरह की मशीन है? वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है जो वातावरण की हवा से ऑक्सीजन बनाता है। उसकी संख्या क्या है यहाँ पे? 40 है। सर एक तरह से देखा जाए तो बहुत सारे मरीजों की संख्या जो है तादाद बढ़ती जा रही है, ऑक्सीजन लेवल कम होने का आरोप लगा रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से बहुत सारे ऐसे गंभीर मरीज पड़ रहे हैं और बहुत सारे मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, कैसे मैनेज कर रहे हैं सर? देखिए हम लोग के यहाँ जैसे कुछ मरीज तो एकदम ही खराब स्थिति में जो आ रहे हैं उनको संभालना मुश्किल हो जा रहा है, इमरजेंसी में ऑक्सीजन लगाने तक आधे घंटे घंटे के अंदर ऐसा हो जा रही है दुर्घटना। कोशिश ये किया जा रहा है कि ऑक्सीजन हम लोग पहले जिन मरीजों को ज़्यादा क्राइसिस है 60% 70% SpO2 है, पहले उनको मैनेज करके जान बचाया जाए, इस तरह की प्रक्रिया लगातार की जा रही है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मरीज भी हम देखें कि लेके गोदी में आए हैं, मर गए हैं और बिना स्ट्रेचर के सर बाहर लेके चले गए हैं, इस तरह की भी हम लोग की तस्वीरों में कैद भी है वीडियो, तो इसको लेके क्या स्ट्रेचर के लिए तो निर्देशित किया गया है कि स्ट्रेचर जिसके भी जो भी मरीज अंदर आता है बताता है कि बाहर मरीज है, हमारा स्ट्रेचर चाहिए मुझे, तो उपलब्ध कराया जाता है। वर्तमान में COVID-19 कोरोना संक्रमण का प्रसार बहुत तेज़ी से हो रहा है, ऐसी स्थिति में मेरी जनपद वासियों से अपील है कि वे कृपया अपनी जांच जरूर कराएं। यदि उन्हें कोई भी सिम्टम्स महसूस होता है जैसे गले में खांसी, दर्द, बुखार, हेडेक या सीरम के साथ बुखार, इस तरह का कोई भी सिम्टम्स उन्हें नज़र आता है तो वे ज़रूर जांच कराएं। जांच अपने निकटतम PSC CSC पर जाकर सरकारी चिकित्सालय में जाकर करा सकते हैं, इसके अतिरिक्त मोबाइल टीम्स भी हैं उनसे कांटेक्ट करके अपनी जांच करा सकते हैं, लेकिन जांच जरूर कराएं। और सभी से अपील है कि कृपया वे भीड़ में जाने से बचें, मास्क का प्रयोग जरूर करें और हाथों में सैनिटाइजर या हाथों को बार बार साबुन से धुलते रहें। इसके साथ ही मेरी उनसे भी अपील है कि जिनके घर में कोई कोरोना पॉजिटिव हो गया है और उसे इलाज में कोई दिक्कत आ रही है, वो हमारे इंटीग्रेटेड कोविड एंड कमांड सेंटर में टेलीफोन नंबर जहाँ टोल फ्री नंबर भी है और लैंडलाइन नंबर्स भी लगे हुए हैं वहाँ फ़ोन कर सकता है। वो फ़ोन करने के बाद उसे हम पूरी मदद करेंगे, पूरी चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराएंगे जिला अस्पताल में, और जिला अस्पताल के अतिरिक्त हमारे ऐसे 13 और हॉस्पिटल, कुल जनपद में इस समय 14 L2 लेवल के हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल के रूप में चिन्हित किए गए हैं, जहाँ हमारे पास 950 से अधिक बेड उपलब्ध हैं, बेड की कोई कमी नहीं है। यदि कोई पेशेंट ऐसा है जिसे कोविड पॉजिटिव होने के उपरांत बुखार है, बुखार कम नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, तो वो इन 14 हॉस्पिटल्स में से किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट करा सकता है। यदि ऑक्सीजन या कोई अन्य चिकित्सीय सुविधाएं चाहिए तो हमारे जनपद में मौजूद हैं, लेकिन मेरी सबसे अपील है कि कृपया संयम से और धैर्यपूर्वक काम लें और चिकित्सकों के साथ ऐसा कोई दुर्व्यवहार न करें जिससे उन्हें चिकित्सीय कार्यों में कोई असुविधा होती हो। यहाँ का सर समस्या ऑक्सीजन है ही नहीं सर, किसी वार्ड में चले जाए ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है सर, हर वार्ड में ऑक्सीजन का टंकी खाली हुआ है। बाकी आज के मरीज क्या स्थिति है? हमारा मरीज का स्थिति ये है सर, 45 चल रहा है सर ऑक्सीजन लेवल, यहाँ से व्यवस्था की जा रही है? नहीं सर, अभी कोई आ नहीं रहा, एक दो नर्स है, कोई एक ही कैसे देखेगा सर। अमरोहा नगर में SDM विवेक यादव, शहर कोतवाल रविंदर सिंह और ड्रग इंस्पेक्टर रमेश कुमार ने संयुक्त रूप से शहर के मेडिकल स्टोर पर चेकिंग अभियान चलाया और मेडिकल स्टोर स्वामियों को दवाइयों पर कालाबाजारी न करने की सख्त चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश के चौथे चरण के चुनाव के दौरान मथुरा में 29 तारीख को त्रिस्तरीय चुनाव का मतदान होगा, जिसके लिए आज मथुरा ब्लॉक सहित सभी ब्लॉक से मतदान स्थलों के लिए मतपेटियों के साथ अन्य सामान के साथ मतदान कर्मी को प्रशासन द्वारा रवाना किया गया, जिससे वो सभी मतदान स्थलों पर आज समय से पहुंच सके और 29 तारीख को समय अनुसार मतदान शुरू करा सके, जिसके लिए आज सुबह से ही GIC इंटर कॉलेज में मतदान कर्मियों की भीड़ जुटी रही, जहाँ अन्य अधिकारियों ने ब्लॉक के हिसाब से मतदान सामग्री प्रदान की, वहीं
एडीओ पंचायत जीडी जैन की उपस्थिति में सभी कर्मियों को ये भी बताया गया कि सभी स्थलों पर सुरक्षा के साथ मतदान करने वालों के साथ कर्मचारियों को भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर ख्याल रखा जाएगा। इसी के साथ जहां अति संवेदनशील बूथों पर वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी रहेगी तो मतदान स्थलों को सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ पीठासीन अधिकारियों की उपस्थिति भी रहेगी, जिन्हें जोनल और सेक्टर के हिसाब से बांटा गया है। नई मंडी शमशान घाट पर शमशान घाट प्रबंधकों के द्वारा ताले लटका दिए गए हैं। नई मंडी शमशान घाट पर अंतिम संस्कार करने की जगह नहीं है और वहां से शवों को लौटाया जा रहा है। वहीं अंतिम संस्कार करने वालों की भीड़ लगातार शमशान घाट पर मौजूद है। ये पूरा मामला जनपद मुजफ्फरनगर के थाना नई मंडी क्षेत्र का है। चौथे और अंतिम चरण मतदान को लेकर आज पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों पर रवाना कर दिया गया। जनपद बहराइच में गल्ला मंडी से सभी 1276 मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। इन पोलिंग पार्टियों में पीठासीन अधिकारी समेत अन्य मतदान कर्मिक और सुरक्षा कर्मी बैलेट पेपर के साथ मतदान केंद्र पर रवाना हो गए। कल सुबह से मतदान शुरू होगा। कोविड को ध्यान में रखते हुए सभी मतदान कर्मियों को कोविड किट से लेस किया गया ताकि जरूरत पड़ने पर काम आ सके। बहराइच में कुल 1276 मतदान केंद्र हैं और 3000 से ज्यादा मतदेय स्थल बनाए गए हैं। कोरोना काल में प्रदेश मुखिया योगी आदित्यनाथ जी भले ही सरकारी अस्पतालों को लेकर कितने ही दावे कर ले, लेकिन उनके ये दावे अब खोखले साबित हो रहे हैं। इस कोरोना में सरकारी अस्पताल मौत के अस्पताल में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। आपातकालीन स्थिति में मरीज तड़पते नजर आ रहे हैं। बेड ना मिलने पाने से मरीजों की जमीन पर या कुर्सी पर बैठाकर इलाज करवाया जा रहा है, ऑक्सीजन दिया जा रहा है। ये भयावह दृश्य न्यूज़ वन इंडिया के कैमरे में कैद हुआ। देखिए मानवता को झकझोर करने वाली ये विशेष खबर। जमीन पर पड़े ये मरीज, कुर्सी पर बैठे ये मरीज और बेंच पर लेटकर बेड का इंतजार करते हुए ये मरीज, ये दृश्य है बरेली के 300 बेड कोविड अस्पताल का। इसको देखकर तो बस यही कहा जाएगा कि योगी जी आपके अस्पताल अब खुद ही वेंटिलेटर पर चले गए हैं। एक के बाद एक मिल रही शिकायतों के बाद न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम ने कोविड स्पेशल अस्पताल का जायजा लिया। जायजे में वो सब सामने आया जो प्रशासन के पर्दे के पीछे छिपाया जा रहा है। इस सच ने जिला प्रशासन की पूरी तरह से पोल खोल कर रख दी, क्योंकि यहाँ मरीज को बेड नहीं मिल रहे। मरीज जमीन पर और कुर्सी पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। कितने ही मरीज ऐसे हैं जो जिंदगी और मौत के फासलों को बेहद करीब से महसूस करते नजर आ रहे थे। आलम यह था कि इलाज के इंतजार में मरीज मौत के मुंह में चले जा रहे थे। ये हमारे भैया जिसके लिए हम लेके आए, यहाँ पे इनको बुखार था, इनके लिए ना कोई ऑक्सीजन की बढ़िया सुविधा थी, ना वेंटिलेटर दिया गया यहाँ पे, और नीचे जमीन पे मतलब जो है वहाँ फर्श पे डाल दिया, बेड भी नहीं दिया गया है। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, कहीं पर इनका उपचार नहीं हो पाया बिल्कुल सही से। भाई का क्या नाम है जी? महेंद्र पाल सागर। और कोई बढ़िया करके लोगों ने व्यवस्था नहीं की है, सब परेशान है। हम लोग बहुत परेशान है, हमारे भाई हैं, हमारा तो सब कुछ चला गया, हम बर्बाद हो गए। दरअसल न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम वहां पहुंची। वहां पहुंचने पर एक तीमारदार ने बताया कि उसके मरीज को सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन बेड नहीं मिला। आखिर में जब उसकी हालत बिगड़ी तो जमीन पर चादर बिछाकर उसको ऑक्सीजन लगा दी गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। परिजनों के मुताबिक अस्पताल प्रशासन अगर उनको सही समय पर इलाज मुहैया करा देता तो उसकी जान बच सकती थी। उसमें रॉयलखंड में भर्ती हो जाएंगे, वो रेफर दिया था बनाए गए, वहाँ गए तो वहाँ पर भर्ती ही नहीं लिया। फिर तमाम अस्पतालों में गए लेकिन कहीं पर किसी ने भर्ती नहीं लिया। यहाँ पर थे एक संबंध के, तो उनने बेचारों ने ऐसे ही उसमें गेट में निटाला था, चादर बिछाए गए तो वो उसमें वो गेट पर लिटाए के, तो उनने ही ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया था और सुबह से ऑक्सीजन के बल पे जिए थे वो, अब हमारे भाई खत्म हो गए। तो आपको बेड यहाँ नहीं मिला? कोविड नहीं मिला, बेड कुछ नहीं मिला, कोविड जांच करा लो। कहा बहुत कुछ, कोविड की जांच हम ऐसे नहीं करेंगे, हमारे पास बेड नहीं है, बेड नहीं है कुछ, तो ऐसे ही जमीन पे लिटा दिया, जमीन पर चादर से लेटे, हमारा तो सब कुछ गया, हम तो बर्बाद हो गए। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम आज वहां पहुंच गई जहां तक शायद एक आम आदमी नहीं जा सकता था, क्योंकि यहां जरा सी लापरवाही हमें कोरोना की गिरफ्त में ले सकती थी। ऐसे में सिर्फ यहां अंदाजा ही लगाया जा सकता है कि यहां के अस्पताल मरीजों को किस तरह से इलाज मुहैया करवा रहे हैं, जो अस्पताल आज खुद ही वेंटिलेटर पर चल रहे हैं। बरेली से पवन कुमार, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।